आजमगढ़ में कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ ने लंबे समय तक जिन लोगों को मौका दिया था वो लोग आजमगढ़ को छोड़ के भाग गए। तो आजमगढ़ ने देखा कि ये भगोड़े हैं, जीतते हैं तो भी भाग जाते हैं, हारते हैं तो भी भाग जाते हैं। तो फिर आजमगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अपना समर्थन दिया, यहाँ कमल खिला और डेढ़ सालों में हम लोगों ने यहाँ इतना काम किया कि जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आजमगढ़ रह के तेजी से विकास कर रहा है। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे लगता है यादवों ने समझ लिया, जब 22 में और 19 दोनों चुनाव लड़े हम लोग, हारे तो भी यही रहे, जीते तो भी यही रहे, तो कभी किसी यादव को भी कुछ काम पड़ा तो हमने ही किया। ये तो जीते चाहे हारे भाग गए, जैसे चुनाव में आते हैं, काम तो हमने किया रह के ना यार। तो यादव लोग भी समझ गए कि नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, सभी काम करने वाले नहीं हैं। काम तो हमको दिनेश लाल यादव ही आएगा, इसलिए वो यादव भी मेरे साथ आ गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोगों के पास जो स्क्रिप्ट है वो राष्ट्रवाद की स्क्रिप्ट है, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की स्क्रिप्ट है, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, धरातल पे वो काम दिख रहा है। इनके पास जो है वो परिवारवाद की स्क्रिप्ट है, जो सुपर फ्लॉप है, जो सड़ गई है, बदबू आने लगी है, फिर भी उसको लेके परिवारवाद को धो रहे हैं। तो आगे उनको जो है ये जनता जवाब दे देगी।